हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हो ना, ये 2-3 दिन पुराना ब्लॉग है, थोड़ा सा लेट जा रहा है। तो डेट है 12 अप्रैल का है। तो आज इस दिन जो है मतलब नील पूजा थी, तो सुबह दोपहर का भी टाइम है और अभी मैं एक दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो आज ना नील पूजा भी है, तो माँ का फास्ट होता है, मैं नहीं करती हूँ। बहुत जगह पर ये चड़क पूजा के भी नाम से जानते हैं, नील षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। बंगाली डेट के हिसाब से 19 चैत्र होता है और अंग्रेजी डेट, हिंदी में तो नहीं पता है, अंग्रेजी डेट 12 अप्रैल का था, षष्ठी के दिन जो होता है उस दिन का ये ब्लॉग है। तो दोपहर से मैंने स्टार्ट किया है और माँ का आज फास्ट भी है। तो माँ तो सुबह में ही पूजा करके आ चुकी हैं, अभी तक उनको चाय शरबत जो भी होता है दे दिया है और हम सबका अभी मैं खाना बना रही हूँ। और ये जो आज पूजा थी ना, इसको अधिकतर बंगाली लोग ही जानेंगे, क्योंकि बंगाली लोग ही अधिकतर ये पूजा, मैंने जहाँ तक देखा है कि बंगाली की तरफ होता है, जैसे मेरे मायके की तरफ ये सब नहीं होता है, मेरा जो मायके है तो इसलिए। और इधर जिधर बंगाली एरिया है या बहुत मतलब इस जगह पे ही, मतलब मैंने अधिकतर देखा है कि पूजा होता है, बंगाली लोग ही ज़्यादा करते हैं। मेरा ससुराल जो है बंगाली कल्चर है, इसलिए मैं इसम को जानती हूँ। तो रात को फिर हम लोग सबको जाएंगे, माँ एक बार पूजा करके आ चुकी हूँ, क्योंकि रात में ना हम लोग जाते हैं दिया जलाने के लिए। आज सबका मतलब फैमिली मेम्बर के नाम पे तेल का दिया जलाया जाता है, तो वो तो मैं आपको आपको पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे खाना क्या क्या मैंने बनाया दिखा देती हूँ। तो नीम बैगन है, ये थोड़ा सा भिंडी की सूखी वाली, सरसों की सूखी वाली सब्ज़ी बनाई मैं बनाया है, दाल है और ये आलू का चोखा दिख रहा है आपको, दो तरह का। तो अबीर के लिए थोड़ा सा बिना, मेरे और अबीर के लिए बिना प्याज वाला है और पापा और हस्बैंड के लिए प्याज वाला। मुझे उतना प्याज जो फ्राई होता है ना, मुझे उतना पसंद नहीं है, खा लेती हूँ पर मैं जब बनाती हूँ थोड़ा सा अलग बना ही लेती हूँ। तो बस खाना भी सब कुछ बन चुका है, गैस वगैरह क्लीन करना है, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैंने कर लिया था थोड़ी देर ठंडा होने के बाद। फिर उसके बाद किचन से फ्री होकर मैं आ गई थी, अबीर के बुक्स आए थे, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें कवर अभी तक नहीं लगा था। और मंडे से फिर उसका, मंडे नहीं कौन डेट क्या डेट, हाँ मंडे से ही 15 अप्रैल से उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला था और आज है 12 अप्रैल। तो मैंने सोचा कि मैं अभी फ्री बैठी हूँ तो मैं इसका कवर वगैरह लगा देती हूँ, तो यही वो मैं लगाने के लिए बैठ गई थी। और सच में ये जब टाइम होता है तो शायद सारी मम्मियों की यही हालत होती है, सबको, मम्मी पापा सबको, जिनको जैसा टाइम होता है, जिनकी मम्मी को टाइम रहता है मम्मी करती है, जिनके पापा को टाइम रहता है पापा करते हैं, तो हर घर में अभी यही टाइम है, सब बच्चों के स्कूल की तैयारी करना। एक टाइम ऐसा भी था जब हम लोग ये सब करते थे, मुझे याद आ रहा था कि मैं भी कब, हम लोग भी जब छोटे थे तब हम लोग कितनी मतलब उत्सुकता होती थी कि नहीं अब नई बुक्स आया, उसमें कवर लगाना है, नेम प्लेट लगाना है, उसमें लिखना है, नया नया सब कुछ होगा। तो मैं अबीर को बोल भी रही थी कि अबीर देखो तुम्हें स्कूल जाना है पर मैं सारी तैयारी कर रही हूँ, और ठीक है मैंने बोला कि ठीक है अब अगले साल से तुम करना, मैं नहीं करूँगी, तुम्हें भी करना पड़ेगा, बच्चे जब तक छोटे हैं फिर तो वही अपने से ही सारे काम करेंगे। तो बस इसके बाद शाम का ये वीडियो है, फिर मतलब 5 बजे का ये सारा टाइम होगा, तो वहाँ पे चाय पानी मैंने माँ के सबको बना कर दिया, थोड़ा सा जल्दी ही बना दिया, ट्यूशन सर भी थोड़ा जल्दी आते हैं तो चाय बनाकर माँ को भी दिया, फिर हम लोगों ने पिया। और उसके बाद माँ के लिए यह साबूदाने की मैं खीर बना रही हूँ, क्योंकि फिर हम थोड़ी देर के बाद हम लोग मेला जाएंगे। और आज से हमारे यहाँ मतलब कम करीब 7-8 दिन या 10 दिन ही पकड़िए मेला लगता है, जो कि बहुत मतलब साल में बहुत हम लोग इंतज़ार करते हैं कि मेला लगेगा। सारे मेले तो जो है एक आध दिन के लिए होता है, पूजा स्पेशल होता है, पर ये जो मेला है हमारे यहाँ सबसे बड़ा मेला है और करीब 7-8 दिन तो रहता ही रहता है। तो बस शाम क्या रात ही होने वाली है, तो बस अब हम मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हो आप, तो सभी को ही रेडी हो चुके हैं। तब चलिए अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा मेला लगा है। आज तो उतना मेला नहीं घूम पाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा पूजा पाठ ही होता है, अधिकतर जो भी आते हैं आज अधिकतर मेला कोई नहीं घूमता है। तो बस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और बाइक से ही जा रहे हैं, एक बाइक से मैं, हस्बैंड और अबीर हैं, और एक बाइक से मम्मी पापा हैं। तो बाइक से ही निकले क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ, कार से जाना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, छोटे से एरिया में होता है ना लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग सबको भी पहुँच चुके हैं और देख सकते हो माँ यहाँ पर दिया जलाने की तैयारी कर रही हैं। तो जैसे मैंने बोला कि पूजा तो यहाँ पर मतलब शिव मंदिर है यहाँ पर, तो शिव जी की ही पूजा होती है और नील षष्ठी के नाम से भी जो जानते हैं, और रात में सब कोई घर के जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनके नाम से यहाँ दिया जलाते हैं। मतलब मनोकामना शायद ऐसी ही होती है कि दिया जितना अच्छा होगा
मतलब सबके लिए अच्छा होगा, यही शायद मान्यता है। और मैं उतना नहीं जानती, पर जितना भी मैंने सुना है या देखा है, बहुत लोग आते हैं, सब कोई फास्ट जिसका हो या ना हो सभी दिया जलाने यहाँ पर आते ही हैं। आप देख सकते हो, मतलब वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ये मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं और बाहर में भीड़ तो इतनी खचाखच है, और बाहर में तो मेला भी लगा है। तो वह मैं आपको थोड़ी सी मैं दिखाऊँगी, पहले यहाँ पर दिया वगैरह हम लोग जला लें। तो बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो बना लिया और यही ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर माँ ने भी बोला कि ठीक है, मैं तुम भी मतलब दिया शिव जी को, मतलब शिव जी सामने मंदिर है वहाँ पर सबको दिया दिखा लो, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सबके नाम का एक एक दिया हम मतलब हम लोग जलाते हैं। और जिसकी भी जैसी होती है, कोई बड़ा दिया जलाता है, कोई छोटा दिया जलाता है, कोई कोई तो रात भर यहाँ पर बैठते हैं और पूरी रात बैठकर यहाँ पर दिया जलाते हैं, जिनकी मन्नत हो कुछ भी। तो देख सकते हो कि कितनी भीड़ है, कितनी भीड़, और चारों तरफ दिया मतलब जलाया जाता है। जिसको जगह जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ पर वो लोग दिया जलाते हैं। तो दिया जलाने के बाद थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, जिनको जितना टाइम रहता है अपने हिसाब से यहाँ पर बैठते हैं, बैठकर दिया जलाते हैं। तो हम लोग तो ज़्यादा देर नहीं रहेंगे क्योंकि माँ का फास्ट है, माँ उतनी देर नहीं रह पाती हैं। तो बस थोड़ी देर हम लोग कम से कम आधे घंटे करीब बैठे थे, और यहाँ पर अब भीड़ देखो बहुत, कोई जो पूजा दिन में नहीं किया है अभी पूजा भी करते हैं और फिर साथ में दिया भी जलाते हैं। तो देखा आप लोगों ने, मैंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाया है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। तो इधर एक साइड में मेला लगा है, बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, और एक साइड में खाने पीने का और झूला जंपिंग ये सब आता है। तो मम्मी पापा निकल चुके हैं, हम लोग निकल ही रहे थे तब तक छोटे चाचा जी और चाची जी मिल गए, और मेरी छोटी ननद जो है, हम लोग निकलने वाले थे पर उन्होंने जिद करने लगे कि नहीं चलो चलो अबीर को कि थोड़ा सा ये कर लो। तो मेरी छोटी वाली ननद और अबीर दोनों मिलकर इसमें जंप कर रहे हैं, दोनों को बहुत मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर जो पिंक कलर के ड्रेस में जो जंपिंग करी ना, वो मेरी छोटी ननद है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो बस यहीं तक मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पर, इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अब फिर नेक्स्ट बार जब मेला जाऊंगी तो कोशिश करूंगी मेला का वीडियो दिखाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।